हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। सो अगर आप अभी बीएससी फाइनल ईयर में हो या फिर आपका बीएससी कंप्लीट हो चुका है तो आपके मन में इस सवाल ज़रूर आ रहे होंगे कि अब मैं अपना मास्टर्स कहाँ से कंप्लीट करूँ या मुझे क्या करना चाहिए। तो बीएससी कंप्लीट करने के बाद दो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए आ जाती है। वो है दो एग्ज़ाम्स जिनका नाम है आईआईटी जाम एग्ज़ाम और दूसरा है सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में हम लोग इन दो एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप बीएससी कंप्लीट करते हो और आपको लगता है कि अपना मास्टर्स हमारा किसी आईआईटी से कंप्लीट होना चाहिए या आईएससी बेंगलोर से कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर आपके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है आफ्टर बीएससी। उसका नाम है जैम, आईआईटी जैम एग्ज़ाम। तो सबसे पहले आईआईटी जैम एग्ज़ाम होता क्या है? ये एक ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट है जो कि कंडक्ट करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज और आईआईएससी बेंगलोर। ये हमारे पास ये टेस्ट को कंडक्ट करते हैं और इसके स्कोर के बेसिस के ऊपर आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता है। इनका अलग अलग कट ऑफ भी लगता है। तो इसके साथ साथ आप यहाँ पर कौन से कोर्सेज कर सकते हैं कि आप अपना एमएससी 4 सेमेस्टर का कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपना अगर आपको लगता है कि मुझे एमएससी पीएचडी प्रोग्राम करना है या एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम करना है वहाँ से आईआईटी से, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को देकर वहाँ पर एक अच्छी रैंक लाकर आप वहाँ पर कर सकते हैं ये कोर्स। तो इसके लिए आपको इस एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अच्छे से फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी होगी और फिर जब आपका अच्छा मार्क्स आएगा तो फिर आप यहाँ से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जब भी आप आईआईटीज में अपना मास्टर कंप्लीट करोगे तो फिर आपके करियर के लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है कि हम लोग सिर्फ 12th के बाद जो आईआईटी जेई का एग्ज़ाम होता है उसी के थ्रू आईआईटी में जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं। आप बीएससी कंप्लीट करने के बाद आईआईटी जाम एग्ज़ाम देकर भी आप आईआईटीज में से अपना मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जो स्टूडेंट्स के लिए मन में रहता है कि मुझे आईआईटी से अपना मास्टर कंप्लीट करना है। और ये अपने फ्यूचर के लिए भी काफ़ी सही रहता है। जब आपके पास आईआईटीज का टैग आता है तो फिर आपको कहीं पर भी किसी इंडस्ट्री में आपको जाना है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। टीचिंग फील्ड में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। रिसर्च फील्ड में जाओगे वहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अपना करियर बनाने के लिए आईआईटीज में से आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करोगे तो वहाँ से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी एक एग्ज़ाम, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है दोस्तों? तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या तो फिर आप फाइनल ईयर बीएससी में होने चाहिए और आपके पास 55% होने चाहिए, या फिर अगर आपके पास सीजीपीए हैं तो आपके पास एटलीस्ट 5.5 सीजीपीए होना चाहिए आउट ऑफ 10। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो 50% आपको होना चाहिए या तो फिर 5 आपका सीजीपीए होना चाहिए। उसके साथ साथ एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है कि अगर आप अपना मास्टर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर सीयूईटी पीजी नाम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम अब यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको अलग से कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस के ऊपर आप अपना मास्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इन एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन आपको हमारे आईएफएस के वेबसाइट के ऊपर आपको ज़रूर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आईआईटी जाम एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करना है, सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करना है, फिर उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे वहाँ पर, कई सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली बात तो आपका एक कॉन्साइज और डायरेक्शनल स्टडी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको वहाँ पर आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी बार बार कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, मॉक टेस्ट आपको देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे आईएफएस के वेबसाइट के ऊपर आपको सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है और वहाँ पर विजिट करके आप अपने आप को बस एक बार रजिस्टर कर ले। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्रीली रजिस्टर करना है और वहाँ पर लर्न फ्री सेक्शन में जाकर आप कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं।
चलिए जैसे कि एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे वहां पर विजिट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर ifsonline.com ये टाइप करना है। जैसे ही पहली लिंक आएगी उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पर आपको एक लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने पहले लॉगिन करा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। अगर नहीं है, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, तो पहले आपको साइन अप करना होगा। और साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है IIT जाम, जैसे कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, मैथमेटिकल साइंस में, ठीक है। अब यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलेगी, जैसे कि लर्न फ्री सेक्शन में आपको कई सारी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ आप इस एग्ज़ाम का पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका कट ऑफ क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। तो आपको बस एक बार यहाँ पर विजिट करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप IIT जम एग्ज़ाम और CUT एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप ज़रूर इसके लिए जा सकते हैं। हमारे वेबसाइट के ऊपर आप एक बार विजिट करें, IFS ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो में रुकते हैं, और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। सो थैंक यू एवरी वन एंड हैप्पी लर्निंग।